हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट से आज हमने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स, बस आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों आज मैं फिर से आया था फिशिंग के लिए, और यहाँ पे आके मैंने यहाँ के कुछ लोगों को मछली पकड़ते हुए देखा कुछ अलग तरीके से। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बोतल से फिशिंग ट्रैप बनाया था और उससे मछलियाँ पकड़ी थी। सेम तरीका तो वही है पर थोड़ा सा अलग है। तो मैंने भी वो ट्राई किया, मैंने भी यहाँ से एक दो बोतल ढूंढी और कुछ चारा उन्हीं लोगों से लिया और खाली ट्राई किया कि मछली फंसती है या नहीं। तो दोस्तों अभी मैंने फिशिंग ट्रैप बना के उसमें डाल दिया है। मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने यहाँ से कट लगाया था और ये जो है उसको मैंने अंडर की तरफ डाला था। तो ये यहाँ पे मछली पकड़ने का तरीका थोड़ा अलग है। जो पहले वाला तरीका जो मैंने आपको बताया यहाँ से कट करने वाला, उसमें मछली बिल्कुल नहीं फंस रही है। तो ये लोग ने जो तरीका अपनाया था उसी तरीके से मैंने एक पूरी बोतल लिया और उसमें छोटा सा सुराख बनाया है, होल बनाया है, और उसमें ये लोग ने मुझे कुछ चारा दिया है, ये वाला बाल शक्ति बच्चे लोगों का खाना। तो उसको सूखा ये जो पाउडर है वही बोतल के अंदर डाला, और मैंने दो फिशिंग ट्रैप बना के पानी में डाल दिया है। अभी मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, तो 15 से 20 मिनट देखते हैं कि ये लोग का तरीका कैसे काम करता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बना रहा हूँ, अगर कुछ मछलियाँ फंसती है तो हम उसे रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी मछलियाँ होगी तो हम उसे छोड़ देंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो चले दोस्तों, अभी फिशिंग ट्रैप डाले हमें 15 से 20 मिनट हो गया है, तो अब हम उसे निकाल के देखते हैं कि उसमें मछलियाँ फंसती है या नहीं। दोस्तों इस तरह का जो फिशिंग ट्रैप होता है उसे हमें 1 से 1.5 घंटे तक पानी में डुबाए रखना होता है, तभी मछलियाँ इसके अंदर जाती है। पर हमें देखना है कि ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं, इसके लिए थोड़ा जल्दी निकाल दिया है। दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे ही फिशिंग के रिलेटेड नई नई टिप्स और टेक्निक भरे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। अगर आप भी फिशिंग करने के शौकीन है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इंटरटेनमेंट के साथ साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो देख सकते हो आप इसमें कुछ मछलियाँ फंसी है। इसे दोस्तों 1 से 1.5 घंटे तक पानी में डुबाए रखना है, पर हमने उसे निकाल लिया, फिर भी इसमें 3-4 मछलियाँ फंसी है। हमें ये तो मालूम पड़ा कि ये फॉर्मूला भी अच्छे से काम करता है। दोस्तों अब हम इसे अच्छी जगह पे पानी में रिलीज कर देते हैं। किसी अच्छी जगह देख के हम इसे पानी में छोड़ देंगे। दोस्तों हम हमेशा हमारी YouTube चैनल एंगलर जीतू पे फिशिंग के रिलेटेड बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट से भरा वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों देखा आपने कि हमने एक जुगाड़ बनाया फिशिंग ट्रैप बोतल से, तो उसमें भी कुछ मछलियाँ फंसी हुई थी। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं
जो फिशिंग रॉड नहीं चलाते हैं कुछ अलग तरीके से देसी जुगाड़ करके भी मछलियाँ पकड़ते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप बड़े एंगलर हैं तो भी इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।